हेलो गाइस, आज हमने आपको आयो की स्टोन का बारे में बताएंगे, जिसमें किस तरह से आपको फेस प्लेट में इसको किया जाता है। देखिए, ये एक आपका क्रिम्पिंग टूल है जो आयो 45 उसको क्रिम करने के लिए होता है। ये देखिए, इसमें जो है उसका भी इम्पैक्ट होता है लो एंड हाई। इसमें भी दिख रहा है आपका, इसको बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। इसमें इसका एक आपको खोल के दिखाते हैं। देखिए, इसमें जो है ये क्रिम्प होता है। आप इसको जब पुश करेंगे ऊपर से ये अंदर तरफ जाता है। इसमें एक कटर होता है, देखिए इधर आपको कटर दिख रहा है, एक कटर से आपका तार काटा जाता है। तो इस तरह से पंच आपका किया जाता है। ये हो गया आपका क्रिम्पिंग टूल कटर, ये हो गया आपका वायर कटर प्लस क्रिम्पिंग टूल। देखिए, इसमें भी एक है, इससे भी आप क्रिम्प कर सकते हैं, इससे आप वायर काट सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वायर को डाल के इसको हम बताएंगे आपको कैसे करना है। ये आपका एक छोटा सा नाइफ है जिससे आपका तार को काटा जाता है। ये आपका RJ45 कनेक्टर है और ये है आपका की स्टोन। देखिए, इसमें जो है एक पॉइंट आपको दिख रहा है। इसमें दो तरह का प्रोटोकॉल होता है, एक तो T568A का होता है, 568B का होता है। तो हमने आज आपको 568B का दिखाएंगे। इसमें 568B, ठीक है, उसमें क्या है, फर्स्ट होता है व्हाइट ऑरेंज, देन ऑरेंज व्हाइट ग्रीन, देन ब्लू व्हाइट ब्लू, देन ग्रीन व्हाइट ब्राउन, देन ब्राउन। ये है आपका की स्टोन। अब देख रहे हैं इसको, देखिए की स्टोन आपको दिखा रहे हैं, RJ45 का इसको की स्टोन बोला जाता है। ये है आपका, अब आइए इधर आपको दिखाते हैं। ये आपका फेस प्लेट है, देखिए फेस प्लेट है, इसका बॉक्स है। इस बॉक्स को वॉल में फिट किया जाता है और इसके अंदर में इसको फिट किया जाता है। देखिए, ये जो है इसको हम खोल के दिखाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हम दिखाएंगे इस फेस प्लेट का बाद। अब यहाँ पर देखिए, वॉल में फिट करने के लिए इसको दिया गया है और ये जो है फेस प्लेट को टाइट करने के लिए दो स्क्रू, साथ में इसका एक ऊपर में। जब की स्टोन को बनाएंगे, वो की स्टोन बनाने के बाद इससे हम इसको टाइट करेंगे। देखिए कैसे इसमें पंच हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इसको ऐसे करके लगा के ऐसे करके इसको पुश कर देंगे ताकि तार हिले नहीं। तार यहाँ से आपको कैसे निकलता है वो दिखेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सब कनेक्टिविटी है, यहाँ से तार निकलेगा। तो इसको हम आपको निकाल के दिखाएंगे किस तरह से हम पंच करेंगे, सब आपको हम दिखाएंगे अभी। और यहाँ पर RJ45 कनेक्टर का कुछ कनेक्टर आपका रखे हैं, आपको दिख रहा है। और ये है आपका CAT6 केबल, इसी केबल को हम की स्टोन में लगाएंगे। तो आप भी दोस्त इसको सीख लीजिए किस तरह से आपका की स्टोन को किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, ताकि इन फ्यूचर में आपको भी कोई जरूरत होगा तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले CAT6 केबल को लिए हैं, इसको हम यहाँ से काट लेंगे। देखिए, इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके प्रेस करेंगे, करके इसको ऐसे घुमाएंगे। घुमाने के बाद इसको निकाल लेंगे। देखिए, इसको ऊपर वाला जो सिर है वो निकल जाएगा। फिर इसके बाद इसको हम फैला देंगे। इसमें देखिए आपका दो तीन कुछ आपका जो है प्लास्टिक रहता है। ये जो आपका केबल है, जैसे 4 पेयर होता है ना, 4 पेयर को लगाने के लिए इसमें 4 पॉइंट में दिया जाता है। तो इसको हम कटर से काट देंगे। ये है आपका कटर, देखिए इसको कटर से हम कैसे काट रहे हैं, ऐसे करके काट देंगे। देखिए, काट दिए हैं और इसको भी काट देंगे। अब इसको थोड़ा सा हम फैला देंगे। कैसे फैलाना पड़ता है, एक एक करके सबको खोलना पड़ता है। देखिए, केबल जो है ये ट्विस्ट किया हुआ है, इसको निकाल लेंगे। देखिए, निकाल लिए इसको, ट्विस्ट करके अलग कर दिए हैं। इस तरह से इसको अलग करने के बाद सबको अलग करेंगे, करने के बाद इसमें की स्टोन में इसको फिट करेंगे। आपको दिखाते हैं कैसे हम इसको फिट करते हैं, फिट करने के बाद फेस प्लेट में इसको कैसे फिक्स करेंगे। ये देखिए, ये है, सबको पहले बारी बारी से ऐसे खोल लेंगे, ट्विस्ट किया हुआ वायर को खोल लेंगे। देखिए, इसको खोल लिया है। तो दोस्त, आप भी अगर कहीं पर कर रहे हैं तो इस तरह से इसको खोल लीजिएगा। खोल के आप इसको अपना हिसाब से उसको लेवल करके फिर उसको पंच कीजिएगा। पंच करने का तरीका भी हम बता देंगे किस तरह से पंच किया जाता है और की स्टोन को किस तरह से देखा जाता है। अगर आप उसको 568A में करते हैं तो पहले व्हाइट ग्रीन ग्रीन आएगा। अगर उसको बी में करते हैं 568B तो व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज आएगा। तो जनरली सब जगह ज़्यादातर आपका 568B को किया जाता है। तो इसके लिए देखिए, हम सबको फैला लिए हैं। अब एक की स्टोन को लेते हैं। इस की स्टोन में देखिए, पहले आप देखिएगा, सबसे पहले इधर देखिए आप अच्छा से,
देखिए इसमें आपको ब्राउन ये दिख रहा है, ऑरेंज दिख रहा है, इसके बाद थोड़ा संदर्भ में देखिए व्हाइट ऑरेंज दिख रहा है, मतलब आधा ऑरेंज आधा व्हाइट, दैट इज व्हाइट ऑरेंज। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए, आप अगर सेकेंड बी को लेते हैं तो आपको बी का सीरीज को लेना है, यहाँ पर ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, फिर यहाँ पर व्हाइट ब्राउन ब्राउन, फिर यहाँ पर देखिए बी का सीरीज लेते हैं तो यहाँ पर आपका व्हाइट ब्लू ब्लू, फिर ग्रीन व्हाइट ग्रीन। देखिए आपको दिख रहा होगा हम इसमें बी सीरीज लेंगे, तो सबसे पहले हमने इसको रखेंगे ऐसे करके रख के, सबसे पहले हम इसको रखेंगे, रख के आपका ये देखिए इसको हम ऐसे लगाएंगे, क्या है पहले हमको लगाना है व्हाइट ऑरेंज, फिर इसके बाद ये सॉरी ऑरेंज, फिर इसके बाद व्हाइट ऑरेंज, देखिए लगा दिए। इसके बाद आपका क्या लगाना है व्हाइट ब्राउन, व्हाइट ब्राउन कहाँ है यहाँ पर देखिए, ये व्हाइट ब्राउन एंड ब्राउन को लगाएंगे, देखिए ये ब्राउन लगा दिए, इसके बाद ये व्हाइट ब्राउन, देखिए इसको लगाए हैं, फिर इसके बाद इसे घुमाएंगे, घुमा के इस साइड में आएंगे, पहले व्हाइट ब्लू है तो हमने व्हाइट ब्लू को फर्स्ट लेंगे और इसको यहाँ पर दबा देंगे, देखिए दबा दिए हैं, फिर ब्लू, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा बी सीरीज में पहले ग्रीन फिर व्हाइट ग्रीन, तो हमने इसको ग्रीन को दबाएं फिर इसके बाद व्हाइट ग्रीन। अब हम क्या करेंगे, इसको पंचिंग टूल लेंगे, उसको हम पंच करेंगे, देखिए इसका जो कटर है कटर आउटसाइड में रहेगा, तो आप ऐसे करके इसको डालिएगा, ऐसे करके डालिएगा, डाल के ऐसे करके देखिए कट गया है आपका, फिर इसको भी ऐसे करके देखिए इस तरह से आपको पंच करना है, सॉरी ये तो टूट ही गया, साइड में करेंगे व्हाइट ब्लू देन इसको, ख्याल रखिएगा कि आपका जो कटर है ना कटर बाहर साइड में होना चाहिए, फिर इसके बाद एक ग्रीन, ग्रीन को ऐसे दबाएंगे, फिर इधर आपका व्हाइट ग्रीन, इस तरह से इसको दबाने के बाद देखिए आपका सब दब गया है। अब दबने के बाद इसको देखिए, अगर मान लीजिए इधर कटा नहीं है तो इसको आप कटर से भी काट सकते हैं, ऐसे करके काट दीजिएगा, देखिए ये तो टूट गया, इसको बाद में साइड में हम इसको लगा देंगे, देखिए इधर जो है इस साइड में भी देखिए हम कैसे काट रहे हैं सबको, ऐसे आपको भी काट देना है, देखिए इसको काट दिया है, तो ये क्लिप आपका क्योंकि यहाँ पर टूट गया, ताकि ये टूट गया तो इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो अभी आपको दिखा रहे हैं ऐसे करने के बाद फिर हमने इसको इसी तरह से इसको लगा देंगे, तो इसको लगा देने से क्या होगा, ये आपका टाइट हो जाएगा, कभी भी ये निकलेगा नहीं, ये आपका केबल को पंच करके रख लेता है, मतलब निकलने नहीं देगा, देखिए यहाँ पर सब लगा हुआ है। अब इसको हम फेस प्लेट में लगाएंगे, फेस प्लेट में लगाने की तरीका क्या है, ऐसे करके पहले इसको डालेंगे, देखिए अंदर चले जाएगा, जाने के बाद इसको हम पुश करके पुश कर देंगे, इसको थोड़ा सा ये देखें पुश कर देंगे, देखिए ये आपका लग गया इस तरह से। अभी आप देखिए यहाँ से आप कीजिएगा आ जाए, आपको हम RJ45 केबल कनेक्ट करके दिखा रहे हैं, देखिए इसको लगाएंगे, लगा के ऐसे करके ये कनेक्ट कर देंगे, ये जो है कनेक्शन, जैसे मान लीजिए उसका अदर एंड जो है वो कंप्यूटर में चले जाएगा, कंप्यूटर में जाके कनेक्ट हो जाएगा, इसको खोलना है ऐसे पुश करके कीजिएगा तो फेस प्लेट का जो लॉक है वो लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से आपको RJ45 की स्टोन जो होता है ना आपका CAT6 CAT5 उसका की स्टोन को इसी तरह से आपको करना है। तो ये आपका कनेक्टर टूट गया तो ये डैमेज हो गया, तो दूसरा हम कनेक्टर इसमें यूज कर लेंगे। तो इस तरह से गाइस आप अपना जो की स्टोन है उसको कीजिएगा, और आने वाले जितने भी वीडियो हैं उसको आप देखते रहिएगा, और भी हम अच्छा अच्छा वीडियो टेक्निकल के बारे में देते रहेंगे, कंप्यूटर रिलेटेड नेटवर्क बारे में प्रिंटर के बारे में, तो आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।